Subscribe and press the bell icon for latest update. न्यूज़ एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मुद्दा जुड़ा है अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी से। जी हाँ, नीरव मोदी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस केस से जुड़े अन्य पहलुओं पर। आपको बता दूं कि 11,500 करोड़ रुपए की चपत लगाकर पंजाब नेशनल बैंक को नीरव मोदी फरार हो गया है देश से बाहर। और उसके बाद अब सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अब 18,000 कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है। मैं आपको खबर दिखाना चाहूंगी, आप खबर देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने के बाद सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के सुझाव पर अमल करना शुरू कर दिया है। घोटाला सामने आने के बाद सीवीसी ने बैंकों को अधिकारियों का नियमित समय पर ट्रांसफर करने की सलाह दी है। चलिए अभी आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गोकुलनाथ शेट्टी, जो पंजाब नेशनल बैंक का डिप्टी मैनेजर था गोकुलनाथ शेट्टी, उसके बारे में खुलासा हुआ था कि जहां पर एक नियम कानून होता है कि आप ज्यादा समय तक एक शाखा में नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसने नियमों को ताक पे रख के वो एक ही ब्रांच में बना रहा, वो एक ही मेन ब्रांच में बना रहा। कैसे बना रहा अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वो एक ही ब्रांच में बना रहा। यही वजह थी पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला होने की, ये सामने आया गोकुलनाथ शेट्टी से पूछताछ के बाद। तो अब उसी पर एक्शन लिया गया है और अब यहाँ पर अब तबादला किया जा रहा है। मैं आपको इस खबर में दिखाऊंगी जो मैंने कहा है वो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। घोटाला सामने आने के बाद सीबीसी ने बैंकों को अधिकारियों का नियमित समय पर ट्रांसफर करने की सलाह दी है। ये देखिए, नियमित समय पर, क्योंकि गोकुलनाथ शेट्टी का नियमित समय पर ट्रांसफर नहीं हुआ था, ट्रांसफर करने की सलाह दी है। और सीबीसी की सलाह पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने केवल 3 दिन में ही 18,000 कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, इलाहाबाद बैंक समेत कई सरकारी बैंकों ने भी ट्रांसफर करना भी शुरू कर दिया है। और दरअसल ये देखिए, PNB घोटाले की जांचों से पता चल रहा है कि आरोपी नीरव मोदी को ALOU यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देने वाले कर्मचारी कई सालों से एक ही ब्रांच में काम कर रहे थे, जिसके बाद अब तमाम बैंकों ने 3 साल से एक ही शाखा पट्टी के बैंक कर्मियों को ट्रांसफर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक और SDFC बैंक भी ट्रांसफर करने का दौर शुरू हो गया है। ICICI बैंक ने तो 3 सालों से एक ही शाखा पर कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा अपने ब्रांच मैनेजर को 1 घंटे में मेल करने को कहा है। तो वहीं हालांकि इस जो ये इंस्टेंट कार्रवाई की जा रही है, तुरंत कार्रवाई की जा रही है, बैंक कर्मियों में नाराजगी देखी जा सकती है। साथ ही NOB यानी कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के मुताबिक जनवरी से मार्च का समय बैंकों के लिए बेहद व्यस्त समय होता है, तो ऐसे में ये कार्रवाई बैंकों के कामकाज को बाधित कर सकता है। चलिए, अब जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, क्योंकि अगर बैंक कर्मचारियों की बात की जाए तो बैंक कर्मचारी भले ही उनकी सरकारी नौकरी होती है, भले ही वो बैंक जैसी संस्था में काम करते हैं, लेकिन असल वजह तो ये है कि उन पर भी बहुत दबाव होता है। और सही कहा है यहाँ पर कि इस वक्त जो फाइनेंस ईयर खत्म होने वाला है, 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म होगा, तो ऐसे में बहुत प्रेशर होता है, पूरे साल का खाका बनाना रहता है। उसी वक्त नीरव मोदी का केस सामने आया और बैंक ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। क्या बैंक को ये समझदारी नहीं है? क्या बैंक को ये सोचना नहीं चाहिए जो उनकी संस्था है, जो सारे बैंक को कंट्रोल करती है? क्या बैंक को इस बात की समझदारी नहीं है कि अगर ऐसा घोटाला सामने आया तभी उन्होंने ऐसा संज्ञान लिया? क्या उनके पास पहले से ऐसे कोई प्रूफ नहीं थे? क्या उनके पास ऐसा कोई खाका नहीं था कि आखिर एक ही शाखा में कोई शख्स लगातार कैसे बना हुआ है? अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपने बनाई है, अगर आपने नियम कानून बनाए हैं, तो उनकी धज्जियां आपके सामने उड़ाई जा रही है, तो आप बैठ के कर क्या रहे हैं? जो वहां पर प्रबंधक है, जो वहां पर सारे चीजों को देखते हैं, जो देख रेख की जा रही है, जो वहां पर जिनके सर्विलांस में सारा काम हो रहा है, वो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगर पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है जिसमें इतने करोड़ों रुपए का घपला सामने आया है, तो वह आप खुद समझ सकते हैं उसमें कि किस तरह से सबसे बड़ी लापरवाही तो अधिकारियों की ही है। एक आम आदमी जिस तरह से वहां पर चीजों को सरवाइव करता है, आप जाके खुद देखिए। मैं बार बार हर प्रोग्राम में यही बोलती हूँ कि आप खुद जाकर देखिए कि आपके साथ कैसा सलूक करते हैं वहां के कर्मचारी, वहां के अधिकारी कैसा सलूक करते हैं। अभी बात को शायद सुनने में भी घंटे भर का भी समय नहीं देते हैं, सुन के आपको रफा दफा कर देते हैं, या तो सुनते ही नहीं है। कभी आप जाएंगे तो वहां ब्रांच मैनेजर नहीं रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए,
11,500 करोड़ रुपए लेकर भाग गया और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं। ये आप सोच सकते हैं कि सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक की बात नहीं है, प्राइवेट बैंक की बात हो चाहे हर किसी संस्था की बात की जाए, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तरह से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जो सोच अभी आपके दिमाग में आई पहले क्यों नहीं आई? क्या आप किसी घोटाले का इंतजार कर रहे थे कि जब कुछ होगा तभी आप ऐसा एक्शन लेंगे? यानी कि ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत लापरवाह हैं, हमें कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है वो हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी चीजों को लेकर बातें सामने आती हैं, और हमेशा आप किसी से सुनेंगे कि सरकारी बैंक में हमेशा ही काम बहुत लचर तरीके से होता है, अरे हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। आप खुद यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की चीजों को देखिए, जहाँ पे आप प्राइवेट बैंक और एक सरकारी बैंक रख के देखिए, और दोनों की कार्य क्षमता और दोनों की कार्य प्रणाली में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं, इसीलिए बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात भी कही जा रही है, लेकिन क्या इसका हल होगा? क्या इसका हल होगा? हमें ये बात सोचने की जरूरत है कि अगर हमने कोई नियम कानून बनाए हैं तो उस नियम कानून पर कितने लोग खरा उतर रहे हैं, उसकी 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 जांच कौन करेगा? आखिर कौन सब चीजों की देखरेख करता है? जो अधिकारी इस चीज की देखरेख करता है सबसे पहले उस पर नकेल कसनी चाहिए। और सिर्फ ये सबसे बड़ी बात है कि जब देश में ऐसी चीजें सामने आती हैं तब हमारी आंखें खुलती हैं, वरना हम हमेशा सांप्रदायिक लेकर बैठ जाते हैं, तो फिर कभी हम यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान लेकर बैठ जाते हैं, कभी हम सीमा पार की बातें करने लग जाते हैं। करनी चाहिए, करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर जब ऐसी चीजें सामने आती हैं उसमें क्या करते हैं? क्या सांप्रदायिक चीजों पर बात करके देश का विकास हो जाएगा? क्या यहाँ पर फतवे जारी करके देश का विकास हो जाएगा? क्या यहाँ पर ऑनर किलिंग करके देश का विकास हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि देश का विकास होगा एक अच्छी सोच से, एक अच्छे खाके से और अपनी जिम्मेदारी निभाने से। आज जो इतना करोड़ रुपए का चपत लगा के नीरव मोदी देश से फरार हो गया है, उसको भुगतान कौन करेगा? उसका भुगतान कौन करेगा? कैसे पैसा वापस आएगा? क्या आम जनता उसका भुगतान करेगी? आम जनता का पैसा तो जमा होता है, जो सरकारी बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, कितनी जीतोड़ मेहनत से वो पैसा जमा करते हैं और फिर उस पैसे को कर्ज के रूप में बैंक देकर किसी कारोबारी को फिर उसी आम जनता की नस काट देते हैं, और यहाँ पर जो कारोबारी होते हैं वो देश से फरार हो जाते हैं। ये सोचने वाली बात है, ये विषय बहुत गंभीर है, इसलिए भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जो घोटाला सामने आया है वो घोटाला दोबारा सामने ना आए। चलिए, मैंने बात की अभी ट्रांसफर की, अब बात करती हूँ नीरव मोदी की। नीरव मोदी अरबपति हीरा कारोबारी है, जिसकी आलिशान जिंदगी शायद आपने देखी होगी हमारे रिपोर्ट के माध्यम से कि उसके पास कितनी लग्जरी कारें थी। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी, नीरव मोदी जो है उसको डर लग रहा है। जी हाँ, डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने अपनी वेबसाइट पर सारे कंटेंट जो है उसको बंद कर दिया है। ये खबर मैं आपको दिखाऊंगी, खबर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दिस पेज इज नॉट वर्किंग, ये नीरव मोदी की साइट है www.neerav modi.com, और दूसरी वेबसाइट का लिंक था us.neerav modi.com। अब ये दोनों ही वेबसाइट एक्टिव नहीं है, ये आप देख सकते हैं, दिस पेज इज नॉट वर्किंग। और जो ये साइट है इस पर प्रियंका चोपड़ा का एड आता था, और प्रियंका चोपड़ा ये देखिए इस पर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लोबल फैम प्रियंका चोपड़ा को नीरव मोदी ने डायमंड के लग्जरी ब्रांड का एम्बेसडर बनाया था, और वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बतौर ब्रांड एम्बेसडर नीरव मोदी के ज्वेलरी वाले एड में नजर आई थी, जब PNB से 11,500 करोड़ रुपए के घोटाले में नीरव मोदी का नाम सामने आया। तो ब्रांड एम्बेसडर होने के कारण प्रियंका चोपड़ा की आलोचना होने लगी, और फिर इस पर प्रियंका की टीम ने बयान जारी करके कहा कि नीरव ने अभी एड के पैसे नहीं दिए हैं, उन्हें कानूनी नोटिस जारी करने की तैयारी है। तो वही प्रियंका चोपड़ा के अलावा कैट विंसेंट और डकोटा जॉनसन जैसे बड़े नाम भी नीरव के ज्वेलरी ब्रांड से जुड़े थे। और विवादों से प्रियंका का नाम जुड़ने पर बचाव में उतरते हुए उनकी चचेरी बहन ने कहा था कि किसी भी विवाद में कलाकार का नाम सबसे ऊपर आता है, चाहे उसका इससे दूर दूर तक नाता ना हो। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये देखिए नीरव मोदी इस तरह से दिखाया जाए, नीरव मोदी US जो साइट है वो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 times, लेकिन साइट नहीं खुल रही है। और जो यहाँ इंडियन साइट है www.neerav modi.com, ये साइट भी नहीं खुल रही है। और साइट की जो खोलने पर जो चीजें रिस्पांस में आ रही हैं वो ये रिस्पांस आ रहा है, दिस पेज इज नॉट वर्किंग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं चल रही है, नीरव मोदी की दोनों ऑफिशियल वेबसाइट नहीं चल रही है, और क्लिक करने पर दिस पेज इज नॉट वर्किंग का मैसेज दिखता है, और माना जा रहा है कि कोई वेबसाइट में घुसकर ऐसी सूचनाएं ना निकाल ले जिससे कंपनी को नुकसान हो, इसी नाते नीरव मोदी ने वेबसाइट को बंद कर दिया है। और पहले इस वेबसाइट पर नीरव मोदी ब्रांड डायमंड की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा की बड़ी सी तस्वीर नजर आती थी, और हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने अपने ब्रांड से जुड़ने के लिए 2 websites बनाई थी, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है इस खबर को बताने से पहले। ये है नीरव मोदी की वेबसाइट, यानी कि कुल मिलाकर। लेकिन अभी एक और खबर बता दूं कि विराट कोहली जो कि क्रिकेटर है, उन्होंने करार खत्म कर लिया है। ये आप चर्चा है कि
फ्रॉड की इस बड़ी घटना के बाद विराट कोहली पंजाब नेशनल बैंक से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं और कोहली देश के इस बड़े बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अब यहाँ पर जो कलाकार जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नजर आते हैं संस्थाओं से, अब वो करार तोड़ने की सोच रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा की बात करो तो उन्होंने खुद कहा था कि मैंने उनके लिए ऐड किया था लेकिन अभी तक पैसा ही वसूल नहीं हुआ है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर जो नीरव मोदी की फोटोज हैं वो फोटोज साफ साफ बयां करती हैं कितनी आलिशान जिंदगी जीता है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज के साथ उसकी फोटोज सामने आई हैं सोशल मीडिया पर। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि नीरव मोदी आखिर डर रहा है, उसको इस बात का एहसास है कि अगर वेबसाइट पर कुछ ऐसी चीजें मिल गई जो उसको ढूंढने में कहीं ना कहीं कामयाब हो सकती है तो ऐसे में उसने अपनी वेबसाइट को ही बंद कर दिया है। दिस पेज इज नॉट वर्किंग का मतलब शायद यही निकलता है कि नीरव मोदी को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर वो पकड़ में आ गया तो शायद वो बच नहीं पाएगा। तो ऐसे में अब उसने अपनी वेबसाइट पर ही सीधे एक्शन ले लिया है और वेबसाइट को बंद कर दिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि नीरव मोदी आखिर देश में कब तक आता है और आता भी है या नहीं, और देखना ये भी होगा कि जांच एजेंसियां उस तक पहुंच पाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जांच एजेंसी नीरव मोदी तक अपनी पहुंच बना पाएगी। तो दर्शकों आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर से एक अहम मुद्दा लेकर मैं आपके सामने आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।